हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित सारडा एंड हम इंड एएस का पार्ट 4 करेंगे इस वीडियो के अंदर में। मैंने कुछ क्वेश्चन बीच में छोड़े थे, मैंने कहा था ये 101 से रिलेटेड है, ट्रांजिशन फेज से रिलेटेड हैं। हम थोड़ा बहुत ट्रांजिशन फेज के बारे में पढ़ लेते हैं और अब थोड़े कुछ क्वेश्चन हम ट्रांजिशन फेज के भी देखेंगे। ट्रांजिशन फेज कहता है, अब ये स्टैंडर्ड है फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंड एएस। तो इसके अंदर में बताया गया है कि अगर आप पहली बार इंड एएस अडॉप्ट कर रहे हो, जैसे सपोज़ आपको एप्लीकेबिलिटी आई 1 अप्रैल 2016 को, मतलब आपको इंड एएस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं 2016-2017 के। इसके अलावा 2015-2016 के कंपेरेटिव्स भी आपको इंड एएस के हिसाब से रीस्टेट करने पड़ेंगे। और इसके अलावा एक बैलेंस शीट और देनी पड़ेगी 1 अप्रैल 2015, इसे बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन की सबसे पहली बैलेंस शीट, ट्रांजिशन की सबसे पहली बैलेंस शीट। और ये बैलेंस शीट आपकी इंड एएस 101 के हिसाब से बनती है, इस स्टैंडर्ड के हिसाब से। ये स्टैंडर्ड बोलता है कि पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इंड एएस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो जो भी एडजस्टमेंट्स करना है वो आप इस बैलेंस शीट के अंदर करेंगे, ठीक है। तो हमें तीन बैलेंस शीट देनी पड़ती है, ऐसा ही स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। और ये स्टैंडर्ड बोलता है ये स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी सिर्फ सबसे पहली बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2015 की बैलेंस शीट को आएगी, ठीक है। तो ये हम लोग इसके अंदर में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन, कंपनी एक्स प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर IFRS, कंपनी एक्स प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर IFRS फॉर फर्स्ट टाइम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016, ठीक है। IFRS इंड एएस नहीं, इट हैज़ अडॉप्टेड द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन टू बी 1 अप्रैल 2014। एज़ पर कंपनी रूल्स, कंपनी एक्स इज मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर इंड एएस फॉर द ईयर 31 मार्च 2017, एंड हेंस अंडर इंड एएस द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज 1 अप्रैल 2015। अब आप जब IFRS की तरफ शिफ्ट हुए तो IFRS का एक फर्स्ट टाइम अडॉप्शन वाला स्टैंडर्ड है IFRS 1, जिसके हिसाब से आपने 1 अप्रैल 2014 की बैलेंस शीट ऑलरेडी IFRS के हिसाब से बना दी है। अब आप इंड एएस की तरफ ट्रांजिट कर रहे हैं तो इंड एएस की तरफ ट्रांजिट करने के लिए आपकी सबसे पहली बैलेंस शीट बन रही है 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है। वेदर कंपनी एक्स कैन सिलेक्ट द डेट ऑफ ट्रांजिशन अंडर इंड एएस एज 1 अप्रैल 2014 इंस्टेड ऑफ इंस्टेड ऑफ 1 अप्रैल 2015, सिंस इट हैज़ ऑलरेडी कैरीड आउट द एक्सरसाइज ऑफ ट्रांजिशन ऑन 1 अप्रैल 2014, ठीक है। अब बेटा इंड एएस के हिसाब से जब एप्लीकेबिलिटी की बात की जाएगी तो आपका ट्रांजिशन डेट हमेशा 1 अप्रैल 2015 ही रहेगा। एएस से इंड एएस की तरफ शिफ्ट करते समय ट्रांजिशन की डेट फिक्स्ड है, आप वॉलंटरीली उससे पहले की डेट नहीं ले सकते, या आप किसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मेट की तरफ पहले कभी शिफ्ट हुए होंगे तो आप लोग वो भी नहीं ले सकते, ठीक है। सो आपके लिए आपकी ट्रांजिशन डेट 1 अप्रैल 2015 ही रहेगी, प्रोवाइडेड इट इज़ फ्रॉम AS टू इंड एएस। अगर आप बोलोगे सर IFRS से हम इंड एएस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो बेटा उसके लिए इंड एएस 101 है ही नहीं, 101 सिर्फ AS से इंड एएस की तरफ शिफ्ट करने के लिए है। चलिए, हमने एक और एक क्वेश्चन छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 12, हम वो डिस्कस कर लेंगे। कंपनी इज़ कवर्ड अंडर फेज़ 1 हैविंग नेटवर्थ 600 करोड़, डिसाइड्स टू गिव कंपेरेटिव्स फॉर 15-16 and 14-15, व्हाट वुड बी द ट्रांजिशन इन दिस केस। कंपेरेटिव 15-16 दे रहे हैं, आपकी एप्लीकेबिलिटी फेज़ 1 से है विच इज़ 1 अप्रैल 2016, आपको 2016-17 की बैलेंस शीट देना है, 15-16 की देना है और 1 अप्रैल 2015 की सबसे पहली बैलेंस शीट देना है। ये वॉलंटरली एज़ पर इंड एएस 101 रहेगी, ट्रांजिशन के लिए यही वाला बैलेंस शीट रहेगा। क्या हम 14-15 भी एज पर इंड एएस दे सकते हैं? अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ट्रांजिशन की डेट फिक्स्ड है, वो 1 अप्रैल 2015 ही रहेगी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ABC & Company इनकॉर्पोरेटेड इन US विथ लिमिटेड लाइबिलिटी हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया विथ परमिशन ऑफ रिजर्व बैंक to provide consultancy service in India. The branch office remits the amounts earned by guidelines. As on 1st April 16, it has a net worth of more than 500 crores. Whether the branch office is required to comply with Ind AS.
अब बेटा जैसा कि इसने कहा कि ये ब्रांच ऑफिस है, ये आपकी कोई सब्सिडियरी वगैरह नहीं है, तो ये कंपनी नहीं हुई। और फॉरेन कंपनीज़ को, US में इनकॉर्पोरेटेड कंपनी को MCA की गाइडलाइंस एप्लीकेबल नहीं होती, कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल नहीं होता, तो ब्रांच ऑफिस के लिए हम लोग इंडिया से एप्लीकेबिलिटी नहीं देखते। हम एप्लीकेबिलिटी हमेशा किसके लिए देखेंगे? कंपनीज़ के लिए देखेंगे, ठीक है? तो उनको एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है। तो हम क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। कंपनी ए होल्ड्स 100% शेयर होल्डिंग ऑफ कंपनी बी। कंपनी बी होल्ड्स 100% शेयर होल्डिंग ऑफ कंपनी सी सिंस 1 अप्रैल 2000। पर्स्यूएंट टू अ स्कीम फाइल्ड इन फेब 2008, एंटिटी सी विल मर्ज विद एंटिटी बी फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19। ऑल कंपनीज आर कवर्ड अंडर फेज टू ऑफ इंड एस एंड विल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 एज पर इंड एस। अभी हुआ क्या है, तीनों कंपनीज फेज़ टू में कवर्ड है, तीन में से दो कंपनी बी और सी मर्ज होगी फेब 2018 में कोर्ट की स्कीम के तहत। इन केस अपॉइंटेंट डेट इज 1 अप्रैल 2016, सपोज मर्ज होने की डेट 1 अप्रैल 2016 होती, तो वुड इट हैव एन इम्पैक्ट इन द सर्टिफिकेट इशूड बाय द ऑडिटर्स ऑन कंप्लायंस ऑफ स्कीम ऑफ इंड एस 103। बेटा इंड एस 103 है बिजनेस कॉम्बिनेशंस, ये आपका जैसे अमेलगमेशन आप लोग पढ़ते हो, ये वही हो गया एक प्रकार का, आप ये समझ लीजिए, ठीक है? तो अगर अपॉइंटेड डेट 1 अप्रैल 2016 होती मर्जर की, तो क्या होता? बेटा इसमें दो चीज़ें हो सकती है। अगर 1 अप्रैल 2016 को मर्जर हो रहा है और बी और सी का मिला के नेटवर्थ सपोज़ 500 करोड़ के ऊपर है, तो उनको इंड एस की एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल 2016 से ही आ जाएगी। हम स्टैंड अलोन बैलेंस शीट देखते हैं हमेशा इंड एस एप्लीकेबिलिटी के लिए, यानी बी की अलग से सी की अलग से। पर अगर कोर्ट के स्कीम के अंदर 1 अप्रैल 2016 को ही उनका मर्जर हो रहा है, तो हम लोग इंड एस की एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल 2016 से बोलते थे। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ऑडिटर के डिस्क्लोजर्स थोड़े से अलग होते थे, ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ आपको फ्यूचर में, यानी फेब 18 में मर्जर की परमिशन मिली, पर मिली रेट्रोस्पेक्टिवली है 1 अप्रैल 2016 से, तो पहले की बैलेंस शीट तो हम सबमिट कर चुके हैं। अब आपकी इंड एस की एप्लीकेबिलिटी जो रहेगी वो फेज़ टू में ही रहेगी, पर इसके रिलेटेड डिस्क्लोजर्स ऑडिटर को रिपोर्ट में देना पड़ेगा कि रेट्रोस्पेक्टिव मर्जर का एप्लीके मतलब ये परमिशन मिला गया है, ठीक है? तो आई होप ये कॉन्सेप्ट अब थोड़ा सा समझा होगा। 103 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सोचना पड़ता है कि जब एप्लीकेशन दिया था तब भी इसको मर्जर माना जाए या नहीं माना जाए, उतना डिटेल में अभी जाके मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लिमिटेड सेंस में बात कर रहा है। और अभी मैं अगर इसके अंदर पावर का डेफिनेशन, कंट्रोल का डेफिनेशन कवर करना शुरू करूं, तो ये चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है? सो ये चीज़ मैं यहीं पे कवर करता हूं। अगर आपको सही में डिटेल में पढ़ना है, तो मैंने 103 का एक वीडियो डाल के रखा है, बिजनेस कॉम्बिनेशंस, आप वो देख सकते हैं। चलिए वी लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपनी ए बी सी परफॉर्म्स द रोल ऑफ NBFC एंड हैज़ अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन एज NBFC विच इज़ अवेटेड, यानी अभी आपको परमिशन मिला नहीं है। As per the Code of Ind AS, applicability of NBFC also applies to company ABC Limited which performs the role of NBFC. However, it has not registered with RBI. तो इनको एप्लीकेबिलिटी कब से आएगी? क्या इनको एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल 2016, सपोज इनका नेटवर्क 500 करोड़ के ऊपर चला गया 1 अप्रैल 2016 को ही, तो क्या इनको एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी? बेटा समझने की कोशिश कीजिए, हम जब एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, NBFC की एप्लीकेबिलिटी जो हम लोगों ने पोस्टपोन किया है 1 अप्रैल 2018 से, तो 1 अप्रैल 2018 से हम लोग जो NBFC की एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है? हमने जो रोड मैप देखा था उसके अंदर में हम लोगों ने जो सेकेंड रोड मैप देखा था 1 अप्रैल 2018 से। बेटा इस एप्लीकेबिलिटी की बात हम लोग कौन से बेसिस पे कर रहे हैं? हम NBFC के लिए कर रहे हैं जो बिज़नेस एज NBFC कैरी आउट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप RBI के अंदर में रजिस्टर्ड हो। अगर आप बिज़नेस ऑफ NBFC कैरी आउट कर रहे हो, तो भी आपके लिए यही रोड मैप एप्लीकेबल है, यानी इस कंपनी को भी 1 अप्रैल 2018 से ही एप्लीकेबिलिटी की आएगी, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक के? चलिए बेटा अब हम थोड़े से एक्सेम्पशंस और एक्सेप्शन के क्वेश्चंस देखेंगे। इंड एस 101 कुछ एक्सेम्पशंस देता है। एक्चुअली कहानी क्या है, 101 कहता है अगर आप इंड एस अप्लाई कर रहे हो तो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करो, यानी आपके बुक्स में जो भी एसेट लाइबिलिटी दिख रहे हैं इनकी इंड एस के हिसाब से वैल्यू क्या होना चाहिए, जिस दिन ये एसेट या लाइबिलिटी आपके बुक्स में आया रेट्रोस्पेक्टिवली पूरा का पूरा डिसाइड करो। पर ये रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन को कुछ एग्जेम्पशंस और कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड है। जो जो क्वेश्चन में जो जो एक्सेप्शन कवर होगा और एग्जेम्पशन कवर होगा, मैं उसके बारे में बात करूँगा आपसे। तो
तो क्वेश्चन नंबर 23 जिस बारे में बात कर रहा है सबसे पहले वो देखते हैं। कंपनी हैज़ ऑप्टेड फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पैरा 46 ए ऑफ AS 11। अभी आपको याद होगा तो फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन अगर कोई आ रहा है तो हम उसका एक FCMITDA अकाउंट बनाएंगे। इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेसेस ऑफ अदर दैन डेप्रिशिएबल एसेट्स एंड अकॉर्डिंगली एक्सचेंज डिफरेंस ऑन अकाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन इज अक्यूमुलेटेड एंड अमोर्टाइज ओवर द पीरियड ऑफ सच लोन। कंपनी हैज़ टेकन अ लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 1,000 crore एंड इनकर्ड अपफ्रंट प्रोसेसिंग फीस ऑफ 40 crores। अंडर द कंपनी रूल 40 crore हैज़ बीन चार्ज ऑफ टू PNL। 40 crore का जो प्रोसेसिंग चार्ज लगा था वो 1,000 crore लेने के लिए वो आपने PNL में चार्ज कर दिया और लोन 1,000 crore का दिखाया था, ठीक है। यानी आपने जब लोन दिखाया तो आपने वो लोन की अकाउंटिंग कैसे की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 960, PNL डेबिट 40, टू लोन 1,000, आपने इस तरह से अकाउंटिंग की है। द लोन विच इज़ आउटस्टैंडिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट इज ट्रांसलेटेड एट द रेट ऑफ एक्सचेंज प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट एंड द एक्सचेंज डिफरेंस इज पार्क टू FCMITDA अकाउंट विच इज़ बींग अमोटाइज ओवर द पीरियड ऑफ लोन। आप FCMITDA को अमोटाइज करते हैं, ये तो AS 11 के अंदर हमने पढ़ा। अंडर इन AS ऑन द ट्रांजेक्शन डेट द अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी वर्कड आउट ऑन नेट इनफ्लो ऑफ लोन ऑन 960 crores इन दिस केस। अब समझिए बेटा, इन AS 32 जो आपको एप्लीकेबल है, वो बोलता है कि आपने ये लोन 960 पे ही दिखाना चाहिए। यानी आपने बैंक अकाउंट डेबिट करना है 960, टू लोन 960। और ये एक्सपेंस जो आपने PNL में डाला था इसको बेसिकली आपको अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट में एडजस्ट करना है, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने AS 32 पढ़ा होगा इस वीडियो में, क्योंकि अगर मैं ये कंसेप्ट समझाने चला गया तो बहुत डिटेल में चला जाएगा, ठीक है। तो अमोर्टाइज कॉस्ट ये कहता है कि आपने लोन 960 पे ही दिखाना चाहिए और वो जो 40 का एक्सपेंस है उसको इंटरेस्ट मानिए, ओवर द पीरियड उसको इंटरेस्ट में एडजस्ट कीजिए, ठीक है। अब होगा क्या, आपका लोन अब 960 दिख रहा है, अगर डॉलर कन्वर्जन कंपेरेटिवली करूँ, पहले 1,000 दिख रहा था, सपोज़ ये 1,000 वॉज इक्वेलेंट टू $50 सपोज़, तो अब 960 विल बी इक्वेलेंट टू अराउंड 46 और मे बी $48। अब आपका लोन आउटस्टैंडिंग चेंज हो गया, ऑब्वियसली आपका फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन भी चेंज हो जाएगा। अब सवाल ये है कि इसका एप्लीकेशन रेट्रोस्पेक्टिवली करना है कि नहीं करना है, वेदर द बैलेंस इन FCMITDA ऑफ इनफ्लो ऑफ 960 करोड़ और 1,000 crore। हम FCMITDA में जो बैलेंस दिख रहा है उसको 960 के हिसाब से दिखाएं या 1,000 के हिसाब से दिखाएं, ठीक है, सवाल ये है। अब बेटा सबसे पहली बात ध्यान में रखिए, अगर आप AS के हिसाब से पैरा 46 से यूज़ कर रहे थे तो आप AS के हिसाब से पैरा 46 से कंटिन्यू कर सकते हो, ऐसा एग्जेम्पशन आपको AS 101 देता है, कंटिन्यू कर सकते हो, आपको नया बनाना अलाउ नहीं किया जा रहा है, आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो पुराना हमारे पास जो बैलेंस पड़ा था वो 1,000 के हिसाब से पड़ा था, वो 960 के हिसाब से हो गया, तो मैं 1,000 के हिसाब से कंटिन्यू कर सकता हूँ या 960 के हिसाब से कंटिन्यू करना पड़ेगा, मुझे चेंज करना पड़ेगा, ये सवाल है। आपको पुराना बैलेंस कंटिन्यू करना अलाउ किया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो पॉलिसी ऑफ वैल्यूएशन है वही चेंज कर दोगे, वो नहीं कर सकते आप। आपको वैल्यूएशन 960 के हिसाब से ही रखना पड़ेगा, 960 के हिसाब से, ठीक है। तो इसीलिए अब आपको 1,000 वाला अलाउ नहीं किया जाएगा, अब आपको फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रीकैलकुलेट करना पड़ेगा एज़ पर 960 और FCMITDA का बैलेंस रीस्टेट करना पड़ेगा, ठीक है। आप कंटिन्यू कर सकते हैं एज़ पर 101, पर वो बैलेंस रीस्टेट करना पड़ेगा। सपोज़ पहले हमारा, जैसे अगर मैं जो एक्सचेंज रेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि जो एक्सचेंज रेट आया था मैंने $50 कहा था, तो एक्सचेंज रेट था 20 rupees का, ठीक है, $1 इक्वल टू ₹20 लिया था मैंने। तो जब आप 960 लेते हैं, मैं 960 के हिसाब से भी इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये $48 आएगा बेसिकली। अब हुआ क्या, ईयर एंड पे रेट चल रहा है 24, तो 24 माइनस 20 ₹4 इंटू $50, आपके बुक्स में 200 का FCMITDA दिख रहा होगा, ठीक है, 200 का FCMITDA दिख रहा होगा। अब मुझे मेरे बुक्स में लोन रीस्टेट करना पड़ेगा 48 पे, तो 24 माइनस 20 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 48 और ये लोन अब रीस्टेट हो जाएगा 192 में,
192 में एफ सी एम आई टी डी ए का बैलेंस 200 से 192 करना पड़ेगा, ऑब्वियसली अमोर्टाइज वैल्यू भी चेंज होगी। तो जो आपने 192 किया, 8 कहाँ जाएगा बेटा? ये दोनों का डिफरेंस रिजर्व में जाता है, वो नहीं पूछा जा रहा है इस सवाल में, ये नहीं पूछा जा रहा है। सवाल बहुत सिंपल है, मैं तो कॉन्सेप्ट समझा रहा था, सवाल बस ये पूछ रहा है कि वो 1000 के बैलेंस को रीसेट करना है क्या? जवाब है हाँ, वो एग्जेम्पशन में नहीं आता, ठीक है? चलो, सो दैट इज़ द आंसर गिवन। हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। एक्स वाई जेड लिमिटेड हैज़ ऑब्टेन्ड अ लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन एंड अवेल्ड द ऑप्शन ऑफ पैरा 46 है। अगेन वही चीज़ की बात कर रहा है, फॉरेन का एफ सी एम आई टी डी अकाउंट। एक्सचेंज लॉस हैज़ बीन एडेड और डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट। अब ये पैरा 46 की बात कर रहा है जिसमें डिप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आप एसेट में ऐड कर सकते हैं, एफ सी एम आई टी डी ए में डालने की जगह एसेट में ऐड कर सकते हैं। एक्स वाई जेड इज़ द फर्स्ट टाइम अडॉप्टर ऑफ इंड एस। कंपनी वॉन्ट्स टू अवेल द ऑप्शन अवेलेबल अंडर इंड एस 101 टू कंटिन्यू द अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ अकाउंटिंग फॉर एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मॉनेटरी एज पर द प्रीवियस गैप स्टेटमेंट। क्वेश्चन अगेन सेम पॉइंट्स पे है, हमें एफ सी एम आई टी डी ए कंटिन्यू करना चाहते हैं एज पर द एग्जेम्पशन अवेलेबल इन 101। एंटिटी हैज़ ऑल्सो एंटर्ड इन टू फॉरन करेंसी स्वैप ट्रांजेक्शन्स फॉर सच लोन्स सच टर्म लोन द स्वैप फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैश फ्लो हेज। अब अगर आपने गाइडेंस नोट ऑन हेजिंग या गाइडेंस नोट ऑन डेरिवेटिव्स पढ़ा होगा तो ये कैश फ्लो हेज वहाँ पर आया, एज़ पर इंड एस 101 है, पर ये आता वहाँ, मतलब ये वहाँ भी है, आप लोग ए एस में भी आपको पढ़ना है, इंड एस में भी पढ़ना है, सेम कहानी है, ठीक है? पोर्शन ऑफ गेन लॉस ऑन द हेजिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज डिटरमाइंड टू बी द अफेक्टिव हेज शैल बी रिकोगनाइज इन अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम एंड इन अफेक्टिव शैल बी रिकोगनाइज इन पीएनएल। मैं समझाऊंगा आपको ये कहानी, डोंट वरी। हाउ टू गिव अफेक्ट ऑफ द सेम। अभी जैसे मेरे बुक्स में एक लोन दिख रहा है सपोज़ $1000 का, और ये मैंने किसी फिक्स एसेट के अगेंस्ट में लिया था तो फिक्स एसेट भी $1000 पे लिख लिया। अब ये सपोज़ 50 पे लिया गया था तो एसेट तो मेरे बुक्स में 50,000 का दिख गया। अब ईयर एंड पे रेट हो गया 55, तो 55 माइनस 50 मल्टीप्लाइड बाय $1000 5000 रुपीज़ का फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आया। पैरा 46 आपको बोलता है कि आप इसको एसेट के अंदर ऐड कर दो और ओवर द पीरियड डेप्रिशिएट कर दो, ये एक कहानी होगी। इंड एस 101 आपको बोलता है कि आप ये मेथड कंटिन्यू कर सकते हो, हम आपको परमिट कर रहे हैं कि आप ये मेथड कंटिन्यू कर सकते हो। अब मैंने ये जो लोन लिया था ये लोन को हेज कर दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि रिस्क है, फिर फ्लक्चुएशन आएगा तो फिर मैं अपने जेब से कहाँ पैसे देते बैठूँगा। तो सपोज़ आपने हेज कर दिया था एट ए रेट ऑफ रुपीज़ 52 फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जब जब आपका लोन का पेमेंट आएगा। ईयर एंड पे क्या होगा, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कंपेरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से कंपेयर किया जाता है। मैं 55 से कंपेयर नहीं करूँगा, मैं कंपेरेबल फॉरवर्ड देखूँगा जिसकी मेच्योरिटी सेम पीरियड पे है, कंपेरेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि आपने जो हेज लिया होगा वो तो लिया होगा जब मेरे को लोन रीपे करना है वो डेट का, सपोज़ 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स का लोन था तो ईयर एंड पे आपके हेज के 4 ईयर्स रिमेनिंग है, तो मेरे लिए 4 ईयर्स का एक कंपेरेबल कॉन्ट्रैक्ट आएगा। सपोज़ 4 ईयर का कंपेरेबल कॉन्ट्रैक्ट 54 में अवेलेबल है, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ₹2, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ₹2, वो ₹2 क्या है, अब आपका गेन है। देखो जो बैंक है जिससे आपने लोन लिया है उनको आपको 55 के रेट से पे करना है, पर आपने क्या किया, हेज कर दिया, आपने डॉलर बाय किया है 54 के रेट से, क्योंकि बैंक को पे करने के लिए आपको डॉलर लगेंगे ना, तो आप डॉलर बाय कर रहे हो 54 के रेट से। अभी 54 के रेट से आप जो डॉलर्स बाय करने की बात कर रहे हो ये मार्केट में कंपेरेबल यही हेज अवेलेबल है 54 में, यानी 54 में आप डॉलर बाय कर सकते हो। आपके पास राइट 52 का है, मार्केट में कंपेरेबल कॉन्ट्रैक्ट ईयर एंड पे अवेलेबल था 54 पे, तो आप तो फ़ायदे में हो ना, आप ₹2 के फ़ायदे में हो। तो ये ₹2 का फ़ायदा PNL में ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, ये ₹2 का फ़ायदा PNL में ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। बट कैश फ्लो हेज की कहानी थोड़ी सी अलग होती है। कैश फ्लो हेज बोलता है कि नहीं, इसको अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम से रूट करके रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है? अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम से रूट करके रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दो। हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डायरेक्ट रिजर्व, इंड एस में OCI, OCI से रिजर्व्स। सवाल ये है कि क्या इसको भी एसेट की वैल्यू में ही एडजस्ट करना है क्या पैरा 46 के हिसाब से? सो द आंसर इज़ नो बेटा, ये वैल्यू जाती है PNL के अंदर। क्यों?
क्योंकि पीएनएल के अंदर कोई गेन लॉस आया तो उसको एडजस्ट करने के लिए इसको पीएनएल में डाला जाता है। जब आपने फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को पीएनएल में डाला ही नहीं, एसेट में ऐड कर दिया, तो इससे रिलेटेड कोई भी हेजिंग वाली वैल्यू भी पीएनएल में क्यों जानी चाहिए? नहीं जानी चाहिए ना, क्योंकि पीएनएल में उसका इम्पैक्ट ही नहीं गया ना, एसेट में ऐड हो गया सिंपली। तो इसीलिए इसको एसेट की वैल्यू में कहीं भी एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सिंपली पूरा का पूरा रिकग्नाइज होते समय कैश फ्लो हेज की जगह मतलब पीएनएल में ही ट्रांसफर्ड रहेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको एसेट में एडजस्ट नहीं करना है, इसका वैल्यू पूरी तरह से पीएनएल में ही ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये वाले क्वेश्चन समझने के लिए, मतलब ये कैश फ्लो हेज वाला क्वेश्चन समझने के लिए एक बार पहले गाइडेंस नोट ऑन हेजिंग या गाइडेंस नोट ऑन डेरिवेटिव पहले पढ़ लेना, उसके बाद ही ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। अब बेटा मैं इसके आगे जितने भी क्वेश्चन कवर करूँगा सब रोड मैप के हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे, तो उसके लिए आपको पहले किसी ना किसी स्टैंडर्ड की नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे इससे पहले वाला स्टैंडर्ड आपको इंड एस 32 अमोर्टाइज कॉस्ट की बात कर रहा था, ठीक है। तो पहले वो समझिएगा, उसके बाद ही ये क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। चलिए आई स्टॉप दिस वीडियो भैया, थैंक यू।